वो फोर्स गन है जो कारगिल में युद्ध लड़ा था। ये मेरे पीछे है मोटुला पास और इसके बाद पूरी ढलान है, तो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, तो मैंने ये ट्रेन को डाल लिया है। अब हम बिल्कुल डाउन पे जाएंगे, तो कारगिल अंडर 100 किलोमीटर रह गया है और कारगिल को बाद हम जाएंगे सोनमार्ग, जो जिला पास क्रॉस करके एक पास बीच में और आएगा। तो पोटुला पास हमने क्रॉस कर दिया है, हनास्कू विलेज जबियूल इनविजिबल विलेज, अच्छा ये इनविजिबल विलेज यहाँ से रास्ता जाता है। तो गाइस फोटुला क्रॉस करने के बाद एक चेक पोस्ट आता है, उसको उस पर वहाँ पे एंट्री होती है, बाइक नंबर अपना नंबर। और अब शायद नमिकाला सेकंड पास यहाँ पे आने वाला है 1-2 किलोमीटर बाद, और उसके बाद आएगा कारगिल, और कारगिल के बाद आएगा द्रास। तो ये अभी चल रहा है रूट हमारा, अभी दोनों भाई हमारे आगे हैं क्योंकि मैं थोड़ा रुकता रुकता आ रहा हूँ। ये देखिए व्यू, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यार, पहाड़ कैसे पहाड़ हैं ये, रेगिस्तान वाले पहाड़ हैं, गंजे पहाड़। और बहुत ही बढ़िया राइड चल रही है अभी तक, और 60-70-80 इतनी राइड चल रही है, मोड़ पे थोड़ा कम हो जाती है, बाकी 70 तो मेंटेन करके रखी हुई है। और देख लो 10 बजे चले थे और 2 बजने वाले हैं, तो कारगिल हम विद इन आवर 1 घंटे में हम कारगिल भी पहुंचेंगे 3 बजे तक। तो लो जी हम पहुंच गए हैं नमिकाला, ये है नमिकाला 12,198 फीट की हाइट है नमिकाला का। ये पीछे देखिए हम पहुंच चुके हैं, चारों तरफ का व्यू देखिए बहुत ही खूबसूरत है यार, और ये देखिए। और 2 बज चुके हैं, हमने फोटुला पास क्रॉस कर लिया है, दूसरा ये नमिकाला पास कर लिया, अब आएगा सीधा कारगिल, तो अब चलेंगे कारगिल की तरफ। यू आर एट नमिकाला, और ये व्यू देखो यार कितना खूबसूरत व्यू है, कमाल है यार, बहुत ही खूबसूरत, नमिकाला से व्यू बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखिए व्यू, तो अब हम डाउन जाएंगे नमिकाला से, नीचे उतरेंगे अब, और कारगिल आएगा नेक्स्ट जो है कारगिल, कारगिल के बाद द्रास, द्रास का बाद जोजिला, जोजिला के बाद सोनमार्ग, सोनमार्ग के बाद श्रीनगर। पूरा रूट याद हो गया मेरा, ड्राइव स्लो। ये देखो ओए होए होए होए, बहुत ही खूबसूरत है यार, जय भोले बाबा, भोले बाबा की मूर्ति बना रखी है, पत्थर भी, जय हो भोले बाबा। तो 2014 में भी मैंने कैप्चर की थी ये पिक्चर, सेम वीडियो, तब मेरे पास सर मोबाइल होता था उसमें। वी आर एंटरिंग इन द कारगिल, ये अब हम कारगिल में आ रहे हैं। इधर जाना, इधर जाना, श्रीनगर, 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 श्रीनगर इधर से, अच्छा अच्छा ये लेकर जा रहा है, अच्छा ये बाईपास था, बाईपास,
बाईपास आ गए गांव से। तो कारगिल में मैंने अपना फ्यूल टैंक फुल करा लिया है और हमने बाईपास से अपना कारगिल को क्रॉस कर लिया है। ये नया रास्ता बना है बाईपास, पहले तो सीधे ही था। शादी लग रही है, शादी, लोकल शादी कारगिल में। तो ये वॉल की एक स्टोरी है, जब चोटियों पे पाकिस्तानी घुसपैठ बैठे गए थे तब ये दीवार रातों रात बनाई गई थी ताकि उनका अटैक सीधा यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन पे या आर्मी के कोई भी ट्रक पे ना हो। यहाँ से ये पता नहीं, ये स्टोरी है इनकी। द्रास है 52, द्रास 52 किलोमीटर है अभी भी, और कारगिल वार मेमोरियल अभी आने वाला है लेकिन वो शायद बंद है ड्यू टू कोविड। देखिए सामने बादल घिरे पड़े हैं पहाड़ियों पे और ऊपर ज़रूर बारिश या स्नोफॉल हो रही होगी। ये देखिए नदी में उतार रखी है भाइयों ने, वाह जी वाह। और यहाँ पहले बारिश हो के जा चुकी है, पूरी सड़क गीली है, ऊपर तो बादल पटके हाथ में आ रही है। कल भी पूरी तरह गीले हो गए थे हम, कल तो स्नोफॉल ने जान ले ली थी हमारी, दो चार पता नहीं दो तीन घंटे बुरी हालत हो गई थी। स्नोफॉल में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो हेलमेट में आगे स्नो जम जाती है, बार बार साफ करो, एक हाथ नहीं चलते, हाथ सुन पड़ जाते हैं, पैर सुन पड़ जाते हैं। तो देखते हैं भाई, द्रास आने वाला है, 17 किलोमीटर रह गया द्रास, उससे पहले कारगिल वार मेमोरियल होगा, अगर खुला होगा तो देखते हैं। भाई लोग अभी पीछे हैं, वेट करेंगे उनका, अगर बंद होगा तो फिर मैं आगे द्रास चला जाऊंगा, द्रास में रुक के उनका वेट करूंगा। पहुंच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल, ये हमारा तिरंगा शान से फहरा रहा है। ये भाई देखो मिलिट्री प्लीज स्टॉप, एंट्री है ना अंदर, एंट्री तो है, पार्किंग में लगा दो गाड़ी। सामान के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है यही लगा दूं आपके पास। हम पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पे और ये देखिए चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैं थर्ड टाइम आया हूँ, अभी दोनों भाई पहुँचने वाले हैं, जैसे ही आएगा तो हम फटाफट निकलेंगे सोनमर्ग की तरफ। ये देखो सामने देखो, अभी कुछ फंक्शन के कारण काफ़ी जगह रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, अंदर अंदर स्टेट तो जाने दिया जा रहा है, उसके आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। अब मैंने शॉपिंग भी करनी थी, वो भी शॉप बंद है, तो अभी चलते हैं, दो घंटे का रास्ता है सोनमर्ग का और चार घंटे का श्रीनगर का, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। अभी चलेंगे तो चार घंटे में पहुँच जाएंगे, चलते हैं। तो कारगिल वार मेमोरियल से हम निकल चुके हैं, आज इनका कोई इंटरनल फंक्शन था आर्मी का जिसकी वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, अंदर कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग और वहाँ पे हमने होटल बुक करा लिया है, और इससे पहले जो जिला पास आएगा और एक द्रास, द्रास तो लगभग पहुँच ही गए हैं, 5-6 किलोमीटर दूर है द्रास। वी आर एंटर्ड इन द्रास, वर्ल्ड का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। जैसे मैंने पढ़ा था एक बार कि यहाँ -40 से भी ऊपर कई बार चला जाता है टेम्परेचर। तो गाइस वी आर एंटर्ड इन द्रास, वर्ल्ड कोल्डेस्ट, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। जो जिले से उतरते ही नीचे बालटाल
दिखाई दे जाता है बालटाल, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। मैं 2-3 बार जा चुका हूँ अमरनाथ यात्रा, वहाँ से बालटाल से सेम डे अप डाउन किया हुआ है मैंने। तो द्रास से हम बढ़ चले हैं जोजिला पास के लिए। जोजिला पास पता नहीं वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार मुझे तो बर्फ़ मिलती है वहाँ पे। कहीं मिले ना मिले, जोजिला पास पे आपको बर्फ़ ज़रूर मिलेगी और ठंड लगेगी वहाँ पे, खूब ठंड होगी वहाँ भी। ये देखो ऊपर चोटी, बर्फ़ तो होगी, पक्का बर्फ़ मिलेगी वहाँ पे। भाई साहब ने साइड दे दी है, देख लो यहाँ पे बारिश हो जा चुकी है। हम जो आधे घंटे वहाँ रुक गए कारगिल वॉर मेमोरियल पे, जिसकी वजह से शायद बारिश निकल गई है, वरना भीगते जाते। लेकिन ठंड यार बहुत लग रही है, जबान भी लड़खड़ाने लग रही है। अभी तो जोजिला जब चढ़ेंगे, जोजिला के ऊपर तो और बुरा हाल होगा, मतलब बर्फ़ ज़रूर मिलेगी वहाँ पे, हर बार मिलती है मुझे। वाओ 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 वाओ, ब्यूटीफुल व्यू, या क्या नज़ारे। थैंक यू फॉर विजिट अगेन। जोजिला टॉप 18 किलोमीटर। लास्ट टाइम मैंने ये कैप्चर किया था, ये ब्रिज भी और यहाँ एंट्री भी 2018 में। दो ब्रिज आएंगे आई थिंक। अब यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा जोजिला के लिए, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है जोजिला की। तो गाइस ये जोजिला टनल का काम चल रहा है, जो सोनमर्ग से निकलेगी, जोनमर्ग से, और ये जोजिला को क्रॉस कर देगी, जो आपको पहाड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है जोजिला की सामने। ईस्ट जोजिला बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जोजिला टनल का। अब हम जोजिला पास की तरफ बढ़ रहे हैं, यह चढ़ाई शुरू हो गई है। हो देखिए ये ग्लेशियर भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। पीछे तो पूरी रोड ख़राब थी, सिर्फ पहले गियर या दूसरे गियर पे बाइक चल रही थी, और पूरे खड्डे में पानी भरा हुआ था, बहुत बुरा हाल था यार उस टाइम। यहाँ पे टायर लगी हुई हैं, चाय वगैरह।